ये काम इस बजट में हमने किया है भाई। और कोई सोचता होगा कि हम बच जाएंगे, अभी भी मैं कहता हूं जिन जिन लोगों ने लोगों को लूटा है उनको जवाब देना ही पड़ेगा, ये मैं बिल्कुल साफ कहता हूं। मैं सरकार के अधिकारियों को भी कहता हूं कि उनको छोटे छोटे व्यापारियों को परेशान करने का हक नहीं दिया गया है, और कोई भी व्यापारी को, छोटे व्यक्ति को अगर सरकार का कोई मुलाजिम परेशान करता है, सिर्फ मेरे कान पे लाइए, आपकी रक्षा करने के लिए मैं मैदान में आ जाऊंगा। मुझे बड़े बड़े बेईमानों से लड़ना है, ताकतवर बेईमानों से लड़ना है, मुझे मोहल्ले की कुश्ती नहीं करनी है, मुझे तो बड़े बड़े ताकतवरों को खेल लेना है, तभी सफाई होगी। मुझे ऊपर सफाई करनी है, उस पर मैं लगा हुआ हूं, और इसलिए छोटे छोटे गांव के व्यापारियों को परेशान करना ये मेरी सरकार को मंजूर नहीं है, ये हमें मंजूर नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए आशीर्वाद दीजिए, देश को काले धन से मुक्त करने के लिए आशीर्वाद दीजिए, देश को बेईमानों से मुक्त करने के लिए आशीर्वाद दीजिए, देश को माफियाओं से मुक्त करने के लिए आशीर्वाद दीजिए, देश को जमीन हड़पने वालों से मुक्त करने के लिए आशीर्वाद दीजिए, उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए आशीर्वाद दीजिए, उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए आशीर्वाद दीजिए, उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आशीर्वाद दीजिए, और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाइए। यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। दोनों हाथ बंद करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। परिवर्तन संकल्प रैली में आए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री सदैव श्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री केशव प्रसाद मौर्य जी एवं सभी आगंतुक महानुभावों का मैं मेरठ महानगर की ओर से और यहाँ पर उपस्थित सभी जनता की ओर से हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। दूर दराज के विधानसभाओं से आए हुए सभी विधायक प्रत्याशियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और जो आप सब लोग इतनी देर से यहाँ पर अपने हृदय सम्राट यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अमृत वचनों का श्रवण कर रहे हैं, मैं आप सभी का भी हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और आप